गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 5 कंप्यूटर। आई एम सोनल प्रभा सावी, योर कंप्यूटर टीचर। सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी आर रीड अबाउट आवर चैप्टर 4, टॉपिक इज पेज लेआउट इन वर्ड। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5, व्हिच टॉपिक इज टेबल्स एंड ग्राफिक्स इन वर्ड। वर्ड में हम टेबल ग्राफिक्स को कैसे करके इंसर्ट करेंगे, तो तुम लोग को पता है वर्ड क्या होता है। जो हमारा वर्क प्लेस रहता है वो ब्लैंक्स रहता है। जैसे हमारे एक्सेल में पहले से क्या रहता है, टेबल, बहुत सारा रोज एंड कॉलम जैसे रहता है, वर्ड में वैसा नहीं रहता है, पूरा प्लेन रहता है। तो हम कुछ प्रोजेक्ट जैसे कर रहे हैं वर्ड में, जैसे वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, उसके नीचे में डायग्राम है, कुछ ग्राफिक्स है, कुछ टेबल है। हम कैसे करके उसको इंसर्ट करेंगे हमारा जो लिखे है उसके नीचे में। उसको करने के लिए हमें पहला जानना है हमें कैसे इंसर्ट करेंगे और कौन सा ऑप्शन जाके इंसर्ट करना है। तो ये चैप्टर से हमें बहुत सारा जानकारी मिलेगा, जिससे करके हम कैसे करके हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड। ओके, वी ऑफन अरेंज इंफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम रोज का एक डायग्राम, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट की हूँ ब्लैक बोर्ड में। देखो ये हमारा क्या है, इंसर्ट टेबल। ओके, तो यहाँ पे कॉलम कौन सा है, जो हमारा ये जो मैं एरो की हूँ ऐसी, जो ये हमारा क्या है, ये जो एरो की हूँ ये हमारे ऐसे कॉलम बोलते हैं, रोज होता है हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स होता है वर्टिकली। ओके, दिस रोज एंड कॉलम्स टुगेदर फॉर्म अ टेबल। तो टेबल कैसे बनता है, बोथ रोज एंड कॉलम्स मेक ए टेबल। द रोज एंड कॉलम क्रॉस टू फॉर्म अ सेल्स। जब ये क्रॉस हो जाता है, कौन सा क्रॉस होता है, क्रॉस होता है कॉलम्स एंड रोज, जब क्रॉस हो जाता है सेल बनता है। तो ये तुम लोग जानते हो, हम एक्सेल में पढ़े हैं सेल कैसे करके, हम सेल एक ही सेल से दूसरे सेल कैसे जाते हैं। हमारा कीबोर्ड से हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक सेल से हम दूसरे सेल को शिफ्ट होते हैं। ओके, दिस सेल स्टोर इंफॉर्मेशन। ये जो सेल है, सेल में क्या करता है, होल्ड करता है इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जो भी हम कुछ टाइप करते हैं हमारा कीबोर्ड से, वो नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एनीथिंग, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेल है, ये जो बॉक्स के जैसा है, जो हमारा कलम था रोज क्रॉस होके जो सेल बना है, उसके अंदर में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी नंबर और नेम। जो नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, वो हमारी सेल के अंदर में रहता है। ओके, दिस सेल स्टोर इंफॉर्मेशन, लेट्स अस सी हाउ वी कैन मेक एंड फॉर्मेट टेबल्स इन वर्ड। तो हमें अभी जानना है हमें कैसे करके एमएस वर्ड में इंसर्ट करना है टेबल को। ओके, फर्स्ट थिंग इज इंसर्टिंग द टेबल। पहला क्या करना है, हमारा जो लिखना था, जो प्रोजेक्ट के बारे में हम लिख दिए, अभी हमें क्या करना है, जहां पे हमारा रिक्वायर्ड है, जो प्लेस में हमारे रिक्वायर्ड है, वो प्लेस में हम क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे। ओके, तो बुक में दिया है, ये हमारा पेज नंबर 42 में है। तो यहाँ पे स्टेप भी दिया है, तुम लोग जान पाओगे, बहुत इजी होगा बोल के। स्टेप जो हमारा 1-2 है वो नंबरिंग हो गया है। तो यहाँ पे कलरिंग के हिसाब से नंबरिंग हो गया है। ये तुम लोग का थ्योरी नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये तुम लोग का प्रैक्टिकल है। जब स्कूल रीओपन होगा ये तुम लोग कंप्यूटर लैब में ये वाला करोगे। फॉलो दिस स्टेप टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। तो तुम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो वहां पे हम टेबल को कैसे करके इंसर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। तो पहले क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो क्या करेंगे, स्टार्ट बटन जाएंगे, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। जो हमारा ये हमारा डेस्कटॉप है, उसके नीचे में क्या रहता है, इसे स्टार्ट बटन का एक बटन रहता है, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम हुए, ऑल प्रोग्राम के बाद एक्सेसरीज, देन हमारा आ जाएगा एमएस वर्ड। तो हमारा एमएस वर्ड विंडो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे। पहला है क्लिक टेबल्स इन द टेबल्स ग्रुप इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स, यू विल गेट ए ग्रिड ऑफ सेल्स। जैसे हम इंसर्ट टैब को क्लिक किए, वहां में टेबल ग्रुप आएगा। तो टेबल ग्रुप में क्या होगा, ड्रॉप डाउन ऐसे टाइप का शो करेगा, ड्रॉप डाउन में जैसा एक बॉक्स शो करेगा। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक मेन्यू रहेगा, जहां पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है।
क्लिक करना है। द टेबल विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट एज शोन बिलो। हमारा जो हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं नीचे में क्या हो जाएगा, टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इतना याद करना है, हमें जितना भी कलम चाहिए नोट चाहिए उतना ही हमें क्या करना है, क्लिक करके सेव करना है। ओके, द अबव मेथड लेट्स यू इंसर्ट टेबल्स दैट हैव अप टू 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। तो हमें जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है कलर्स और रो को हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट मोर कलम्स और रोज इन योर टेबल्स फॉलो दिस स्टेप। तो हमें पहला क्या है, स्टेप वाइज है, तो थोड़ा लेना है कम लेना है, तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, कैलकुलेट पहले से करना है कितना हमें रोज एंड कलम चाहिए। ओके, तो हम स्टेप जाते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक टेबल्स इन द टेबल्स ग्रुप ऑन इंसर्ट टैब। तो हम जानते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए पहला हमें इंसर्ट टैब पर जाना है। सेकेंड स्टेप, क्लिक इंसर्ट टेबल इन द मेनू। तो हमारे मेनू में हम इंसर्ट करेंगे टेबल को। थर्ड स्टेप, इन द डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ पे पिक्चर दिया है, पिक्चर से देखना जहां पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड देन क्लिक ओके टू इंसर्ट अ टेबल। तो हमारा जितना रिक्वायरमेंट है हमारा डॉक्यूमेंट में हम उतना क्लिक करेंगे कॉलम्स एंड रो में, देन हम क्या करना है ओके करेंगे। जब ओके करते हैं वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ओके, देन वी आर गोइंग टू वर्किंग विद द टेबल। तो टेबल इंसर्ट हो गया, हमारा रो एंड कॉलम हम इंसर्ट कर दिए। अभी हम टेबल में काम कैसे करेंगे, सिर्फ ऐसे टेबल बनाने से तो नहीं होगा ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट में हम ऐड किए हैं इंसर्ट किए हैं उसके नीचे टेबल के अंदर में कुछ भी लिखना चाहिए, तब हम टेबल में काम कैसे करेंगे। ओके, टू आर टेस्ट इन ए सेल, ये जो सेल है उसमें टेस्ट कैसे लिखेंगे। द कर्सर इन इट एंड देन टाइप, पहला क्या करना है, कर्सर लेना है, माउस से कर्सर लेके क्लिक करके उसके बाद टाइप करना है। टू मूव बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टेबल यूज द एरो की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सीरियली नंबर लिखी हूँ, SL ऐसे सीरियली लिखी हूँ। ओके, यहाँ पे मान दी हूँ, यहाँ पे हेडिंग दूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम दूंगी तो नेम लिखूंगी, तो एक ही सेल में दूसरे सेल को कैसे जाते थे, एरो। ये कौन सा एरो काम करेगा, यह हमारा राइट एरो काम करेगा क्योंकि हम राइट साइड पर जाना है। जब यहाँ पे आ जाएंगे फिर हमें पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो जाएंगे क्योंकि हमारा ये लेफ्ट साइड जाना है। जो हमारा फोर एरो है जैसे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन है, तो हम जैसे नीचे जाएंगे डाउन वाला को क्लिक करेंगे एरो को जो हमारे कीबोर्ड में है, ऊपर जाएंगे तो अप एरो को क्लिक करेंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल एंड शिफ्ट प्लस टैब टू मूव द प्रीवियस सेल। तो हमें आगे जाना है तो हमारा सबसे की भी है, कैसे करेंगे, हमारा कीबोर्ड से हम टैब की को भी प्रेस कर सकते हैं। टैब की प्रेस करने से क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल को वो क्या होगा, मूव करेगा। हमें पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। ओके, ये सबकर की है। If you press tab in the last cell of a table, a new row is added to the table. जब हम क्या करते हैं टेबल को, जो टैब को प्रेस करेंगे न्यू सेल जाएगा। यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल से कुछ लिखना है, टैब प्रेस करेंगे एक सेल से दूसरे सेल को क्या होगा, मूव होगा। तो हमें आसान से हमें टेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग ए सेल रोज एंड कॉलम। हमें अभी क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। स्टेप क्या है, टू सिलेक्ट ए सेल मूव द पॉइंटर टू इट्स लेफ्ट एज, द पॉइंटर चेंजेस टू ब्लैक एरो। तो हमें सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये तुम लोग का बुक में है, देखो ये तुम लोग का बुक में दिया है, देखो यहाँ पे। तो जब सिलेक्ट हो गई है बुक एक ब्लैक एरो में चेंज हो गया है। ओके, क्लिक टू सिलेक्ट द सेल। नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट ए नंबर ऑफ सेल्स, क्लिक एंड ड्रैग ओवर दे। तो हम नंबर सेल को क्लिक किए हैं तो हम क्या करना है, हमें ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं ड्रैग कर देंगे, हमें इंसर्ट टैब जाना भी नहीं है, हमारा शॉर्टकट में वो ड्रैग हो गए एक्स्ट्रा सेल भी आ जाएगा। टू सिलेक्ट ए रो क्लिक ऑन इट्स लेफ्ट आउटसाइड द टेबल। नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट ए कॉलम क्लिक अबव इट एंड आउटसाइड द टेबल। ये क्या है, हमें सेल दिया है, सेल में और कुछ ऐड करना है तो इस सेल से हम फॉलो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज टू सिलेक्ट टेबल क्लिक आउटसाइड इट द आइकन अपीयर। यहाँ पे एक आइकन दिया है सिंबल, वो ऐसे शो करेगा,
on the top left corner of the table. He clicked it to select the table, drag the icon to move the table. तो हमें select करना है. जैसे हमारा ये table बन गया है, हमें क्या करेंगे? उसको select करके कुछ color करेंगे. Okay? नहीं तो हमें और ज्यादा चाहिए. जब ज्यादा चाहिए तो हम drag कर देंगे, एक option आएगा. कितना रोज क्लिक करना है वो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा ज्यादा सेट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स. टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन योर टेबल, तो मैं तुम लोगों को पहले से बताया हूँ हमें क्या करना है. इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं. और एक को स्टेप भी है, वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं. टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन योर टेबल, स्टेप नंबर वन, राइट क्लिक ऑन ए सेल नियर वेयर यू वांट टू ऐड अ रोज एंड कॉलम. फॉर एग्जाम्पल इस साइड में हमें और ज्यादा चाहिए रोज एंड कॉलम्स, उसको क्या करेंगे? पहला राइट क्लिक करेंगे जिस सेल के पास, इस सेल के पास चाहिए तो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो इस सेल के पास करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है हमें. इन द कंटेंट मेनू क्लिक इंसर्ट, उसके बाद हमें क्या करना है? इंसर्ट टैब को क्लिक करना है. चूज वेयर यू वांट टू ऐड द रो और कॉलम, द रो और कॉलम विल गेट ऐड. जितना हमें रिक्वायर्ड है हमें याद करना है कितना रोज और कॉलम चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है? ऐड करना चाहिए. When you right click on a cell, a mini menu also appear above the cell. तो यहाँ पे एक मेन्यू, एक मिनी मेन्यू, उसका मतलब एक मेन्यू, छोटा वाला मेन्यू शो करेगा वो सेल के ऊपर में. ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में दिया है, तो बॉक्स में क्या दिया है? एक तो चार ऑप्शन दिया है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट. यू कैन एड रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम दिस मेन्यू टू. यू कैन एड ए रो अबव और बिलो द सेल, और यू कैन इंसर्ट ए कॉलम टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेल. ये जो चार्ट है, इंसर्ट अबव, ऊपर में इंसर्ट करना है तो हमें रो या कॉलम को क्लिक करेंगे तो वो हिसाब से ऐड होगा, नीचे करने से वैसे हिसाब से होगा, लेफ्ट करने से होगा, राइट करने से होगा. जो ऑप्शन में दिया है, जैसे हमें हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट है, हमारा कौन सा साइड में चाहिए, वो हिसाब से हमें क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे. ओके, हमारा टेबल क्रिएट हो गया, हम जितना भी रिक्वायरमेंट था कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट कर दिए. अभी हम क्या करेंगे, कैसे करके उसको डिलीट करना है. ओके, तो स्टेप नंबर वन, राइट क्लिक ऑन ए सेल, हम जो सेल को डिलीट करना है वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे. इन द रोज एंड कॉलम्स यू वांट टू डिलीट, रो रो और कॉलम्स, रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट करते हैं, कर सकते हैं. जिसको हम क्लिक करना है वहां पे हमें क्या करना है? राइट क्लिक करना है. स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, इन द कंटेंट मेनू क्लिक डिलीट सेल्स. वहां पे कॉलम कंटेंट करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पे हमें क्या करना है? डिलीट सेल करना है. हमें सेल को ही डिलीट करना है इसलिए हम डिलीट सेल करना है. वहां पे ऑप्शन आएगा, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा डिलीट सेल में. वहां पे चार का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, लेफ्ट में करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? वो बटन को क्लिक करेंगे. राइट में करेंगे तो वो बटन को क्लिक करेंगे. देन रोज एंड कॉलम्स, सिलेक्ट और रोज एंड कॉलम, जिसको हमें क्लिक करना है वहां पे एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, उसको हम क्लिक करके लास्ट में ओके करेंगे. ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर थ्री में था. नेक्स्ट है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग द सेल्स. व्हाट इज मर्जिंग एंड व्हाट इज स्प्लिटिंग सेल्स? समटाइम्स यू मे वेंट टू मर्ज कॉम्बाइंड सेल्स इनटू ए सिंगल सेल. जैसे ये तुम लोग का पेज नंबर में है, ये तुम लोग का पेज नंबर 44 में है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है, जैसे हमारा मार्कशीट होता है वैसे ही हमारे सिंपल टेबल के हिसाब से नीड होता है. ओके, तो इस तरह का रहता है, पहला नेम होता है, यहाँ पे मार्क्स होता है, कितना मार्क्स आया है. पहला फॉर
विंडो दैट ओपन्स क्लिक मर्ज सेल, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा वहां पे मर्ज सेल्स का ऑप्शन रहेगा, उसके हमें क्या करना है क्लिक करना है। द सेल्स विल बी मर्ज इनटू ए वन सेल, ये यहां पे देखो कितना सेल है, 1 2 3 4 सेल है, ये 4 सेल बन के एक ही सेल हो जाएगा। क्यों एक ही सेल होगा, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है हमें मार्क्स लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक ही सेल में लिखी हूँ ना पूरा बड़ा वाला सेल में, मगर यहाँ पे कितना सेल है 1 2 3 4, ये जो 4 सेल है इन 4 सेल को हमें एक ही सेल। ओके, ये सब प्रैक्टिकल है, इतना पढ़ाने से ब्लैकबोर्ड दिखाने से तुम लोग पता नहीं चलेगा, ये सब प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर लैब जाने से ये पता चलेगा। यू कैन स्पीड डिवाइड ए सेल इनटू 2 और मोर सेल्स, फॉलो दिस स्टेप इज स्पीड ए सेल और सेल्स, तो हमें स्प्लिट करना है, कितना तो स्प्लिट करेंगे, एक डायलॉग शो करेगा हमें 1 करना है या 2 करना है, हमें क्या करना है स्टेप जाना है, राइट क्लिक ऑन द सेल टू बी स्प्लिट, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इन द कंटेंट मेनू क्लिक स्प्लिट सेल, हमारा कितना तो स्प्लिट करना है, 1 करना है या 2 करना है। नेक्स्ट स्टेप इज इन द डायलॉग ऑफ स्टेप ओपन सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन 1 टू द सेल टू बी स्प्लिट इनटू, देन क्लिक ओके द सेल विल बी सेल, तो हमें कितना तो स्प्लिट चाहिए, जैसे यहां पे बताया कि हमें सॉर्ट करना है यहां पे 1 2 3 4 सेल, ये जो 4 सेल है 4 सेल को हमें सब करके कि एक सेल बनाना है, तो हमें क्या करेंगे डायलॉग बॉक्स से वहां पे शो करेगा कितना तो है, हमें एक ही करना है तो हम 1 को ही टाइप करेंगे। ओके, तो ये हमारा मर्जिनल स्प्लिटिंग सेल खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेबल बॉर्डर साइज, तो स्टूडेंट हमारा टेबल हो गया है, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो हो गया है, अभी हमें टेबल को कैसे करके कलर करेंगे और एक्टिव करेंगे, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट की तरफ से हमें अच्छा करना है, अच्छा करेंगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा हमें, तो ये जो हमारा टेबल हो गया है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो हमारा टाइप हो गया सेल हो गया है, उसको हम कैसे करके बॉर्डर एंड सेटिंग करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द टेबल एंड क्लिक द टेबल टू डिजाइन, पहला क्या करना है टेबल को सिलेक्ट करना है, जो टेबल तुम लोग दिखे हो उसको सिलेक्ट करके टेबल टू डिजाइन को टैब को जाना है। देखो जब हमें कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट करना था हम इंसर्ट टैब में कर लेते, अभी हमें डिजाइन करना है टेबल को तो हम कौन सा टैब जाएंगे, टेबल टू डिजाइन टैब लेंगे, टैब जाएंगे। ओके, स्टेप 2, क्लिक ऑन सेटिंग एंड चूज ए कलर फॉर द टेबल, देन क्लिक ऑन द सेल्स ऑफ द अपर रो 1 by 1 एंड गिव देम डिफरेंट कलर, तो सेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन सेटिंग चूज ए कलर, तो वहां पे ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो करना है, यहाँ पे बहुत सारा हमें ऑल बॉर्डर करना है, सबको बॉर्डर करेंगे तो क्लिक करेंगे, लेफ्ट के करेंगे तो लेफ्ट साइड को करेंगे तो लेफ्ट को क्लिक करेंगे, राइट करेंगे तो राइट, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है बॉर्डर एंड सेटिंग, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक जाके ऑप्शन जाना है। स्टेप 3, सिलेक्ट द टेबल एरिया इन द बॉर्डर टूल्स, सिलेक्ट लाइन स्टाइल लाइन वेट एंड पेंट कलर फॉर द बॉर्डर, हमें रेड कलर करना है और ब्लू, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें कलर को क्या करना है क्लिक करना है। लास्ट स्टेप इज क्लिक बॉर्डर एंड फ्रॉम इट ड्रॉप डाउन मेनू चूज द साइड ऑन व्हिच यू वांट द बॉर्डर, जो भी तुम्हारा चॉइस है वो हिसाब से हम क्लिक करके देन उसको सेव करना है, तो ये हमारा बॉर्डर एंड सेटिंग हो गया। अभी स्टाइल करना है, हमें स्टाइल का मतलब क्या है, ये जो हमारा प्लेन टेबल है उसको क्या करें, कलर हो गया हमारा बॉर्डर सेटिंग हो गया, उसका स्टाइल करना है। स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे ये बुनी है ये बॉर्डर हो गया, ये कलर रहेगा, ये नीचे का कलर रहेगा, उसका बॉडी कलर एक रहेगा, ओके वो हमारा क्या होता है टेबल स्टाइल। यू कैन क्विकली चेंज द लुक ऑफ ए टेबल बाय यूजिंग प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल, तो हमें टेबल का स्टाइल करने के लिए ये जो स्टेप है उसको ऊपर जाना है। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द टेबल एंड देन क्लिक द टेबल टू डिजाइन टैब, अभी कौन सा टैब जाना है टेबल टू डिजाइन टैब जाना है। सेकेंड स्टेप नंबर 4, ये टेबल स्टाइल का है, क्लिक ऑन द स्टाइल यू वांट, जो स्टाइल हमें क्लिक करना है, जो हमारा स्टाइल चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको क्लिक करना है, देन हमें द लुक ऑफ योर टेबल विल चेंज, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है वो टेबल के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ओके, टू मॉडिफाई द टेबल स्टाइल चेक आवर ऑन
चेक द ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन से बहुत सारा स्टाइल है, वो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट है वर्ड आर्टे। तो स्टूडेंट ये वाला हम लोग शायद प्रैक्टिकल किए थे लैब में। वर्ड आर्टे, वर्ड आर्ट का मतलब है जैसे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका एक डिजाइन देता है। तो हमें ये कौन सा टैब में मिलेगा, ये हमारे इंसर्ट टैब में मिलेगा। हमें क्लिक करना है वर्ड आर्ट में, टेक्स्ट प्रूफ में करना है। यू विल गेट ए गैलरी ऑफ डिजाइन, चूज ए डिजाइन। ये बहुत सारा आएगा हमारा वर्ड आर्ट का डिजाइन आएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमें पसंद आ रहा है उसका हमें क्लिक करना है। स्टेप थ्री, यू विल गेट ए टेक्स्ट बॉक्स विद द प्लेस होल्डर टेक्स्ट यू टेस्ट। तो यहाँ पे शो करेगा यू टेस्ट, इसका मतलब है हम जो लिखेंगे ऐसा वाला एक बॉक्स में शो करेगा, वहां पे हम क्लिक करके ओके करना है। जब हम ओके करेंगे एक ड्रॉइंग टूल्स फॉर्मेट शो करेगा। ड्रॉइंग टूल्स फॉर्मेट क्या करेगा, वहां पे जो है उसको ड्रैग करना है, हमें छोटा करना है, जैसे साइज को हमें चेंज करना है, वो साइज के हिसाब से वो यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स फॉर्मेट में वो टैब शो करेगा। तो इन द वर्ड आर्ट साइज ग्रुप ऑफ दिस टैब यूज द टेक्स्ट कलर, हमें चेंज करना है या मोटर टेक्स्ट कलर का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। यूज द ऑप्शन टेक्स्ट आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है यहाँ पे हम लिखे हैं वर्ड, ये हमारा बॉडी कलर हो गया। आउटलाइन का मतलब ही बाहर ये साइड का, ओके ये होता है आउटलाइन। तो आउटलाइन का ये ऑप्शन रहता है, हमें जो भी कलर रहता है उसको हम सेट कर सकते हैं। क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप्स एंड देन क्लिक थ्री डी रोजन्स स्टाइल फ्रॉम द गैलरी, कीप द वन यू लाइक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक गैलरी शो करेगा। यहाँ पे हम जो भी जैसे शैडो करना है, हमें रिफ्लेक्शन करना है, थ्री डी रोटेट करना है, वो हिसाब से हमें क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। स्टेप नंबर सिक्स, क्लिक वीवर्स अंडर टेक्स्ट इफेक्ट। तो हमें इफेक्ट कैसे करना है ये हमारा सब प्रैक्टिकल है, ये बताने से कुछ नहीं होगा, याद जाने से ये पता चलेगा। तो लास्ट में ये हमारा हो गया, होने के बाद ये बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे हमें इफेक्ट करना है ये सब क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्किंग विद द शेप, हम जो शेप बनाएंगे वहां पे कैसे करके लेंगे, जैसे हम स्टार बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, वहां पे अच्छा आंदर भी किस करके लिखेंगे। पहला हमें याद जाना है, क्या जाना है, क्लिक द इंसर्ट टैब। पहला इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, क्लिक सेल्स इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप यू विल गेट ए गैलरी ऑफ सेल्स, चूज दिस। सेल जाने के बाद बहुत सारा सेल होगा उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द सेल, कीप द शिफ्ट की, प्रेस द क्वेरी ड्रैगिंग सो दैट द साइड्स एंड सेल ड्रॉन प्रॉपरली। तो हमारा सेल हो गया, हम सेल को क्लिक कर दिए, जो हमारा सेप आ गया उसको साइज को हम इंक्रीज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग के हिसाब से वो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। और स्टेप फोर, यू विल फाइंड द ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब इज ओपन। हमें उसको कलर करना है, उसको क्या करना है, जैसे हमारा इफेक्ट करना है वो, उसको 3D बनाना है उसको, देन ग्लो करना है, वो हिसाब से हमें ऑप्शन शो करेगा। जो हमारा ये है सेफ इफेक्ट में है वो हिसाब से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, ऐड टेक्स्ट आएगा। जब हम ऐड टेक्स्ट करेंगे उसका मतलब हम सेफ के अंदर में कुछ लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजिंग ऑब्जेक्ट, हम कैसे करके ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट सच एज सेल्स एंड वर्ड आर्ट कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, ओके। तो हम ऑब्जेक्ट को, सेल को, वर्ड आर्ट जो बनाए उसको कैसे करके एक जगह इस साइड में रखेंगे या लेफ्ट में रखेंगे, टॉप में कैसे करके लिखेंगे। पहला क्या करना है, राइट क्लिक द एरो, एरो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इन द कंटेंट मेनू क्लिक ऑन सेंड टू बैक, तो एक कंटेंट मेनू शो करेगा, बैक करेंगे एंड देन सिलेक्ट सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक को हमें क्लिक करेंगे, देन स्टेप है द एरो विल बी बिहाइंड द वर्ड एंड ड्रैग इनटू द पोजीशन डाउन, वो एरो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। वर्किंग द पिक्चर, पिक्चर में हम कैसे करके वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे हमारा जो टाइगर के बारे में लिख रहे हैं, ओके, तो टाइगर के बारे में जो लिख रहे हैं तो लिखेंगे, लिखने के बाद एक टाइगर का पिक्चर भी जरूरी है। तो हमें वैसे करके पिक्चर को कैसे करके हमें इंसर्ट करना है। स्टेप
इंसर्ट ऐप हमें क्या करना है, इंसर्ट ऐप को क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन पिक्चर, पिक्चर को क्लिक करके हमारा ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में है। स्टेप नंबर टू, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन। तो हमारा एक बॉक्स ओपन करेगा, वो हमारा कौन सा बॉक्स है, इंसर्ट पिक्चर। वहां पे बहुत सारे पिक्चर रहेगा, जो हमारा पिक्चर रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें उसको इंसर्ट करेंगे। लोकेट द पिक्चर यू वांट, डबल क्लिक इट और सिलेक्ट इट एंड क्लिक इंसर्ट टू द पिक्चर, टू द पुट द पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा पिक्चर सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है, एक तो इंसर्ट ऑप्शन है, एक तो कैंसिल। कैंसिल कर देंगे तो वो डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जैसे बंद हो जाएगा। इंसर्ट करेंगे तो जो पिक्चर को हम सिलेक्ट किए हैं वो इंसर्ट होगी हमारे डॉक्यूमेंट के पास आ जाएगा। स्टेप थ्री, द पिक्चर विल हैव स्क्वायर हैंडल्स अराउंड इट फॉर रीसाइजिंग ए सर्कल हैंडल फॉर रोटिंग। तो यहाँ पे वो कौन सा साइज में आएगा, वो एक स्क्वायर के हिसाब से पिक्चर इंसर्ट होगा हमारे डॉक्यूमेंट के पास आएगा। जैसे हमें उसको लार्जर करना है तो हम ड्रैग करके कर्नर से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पिक्चर है, ओके हम उसको लार्ज करेंगे तो ये कर्नर से हमें करके ड्रैग करना है हमारा माउस पॉइंटर से। ड्रैगिंग द सेंट्रल हैंडल सेंस द हाइट। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा ऑप्शन, उसको हम ऊपर करेंगे तो वो हाइट क्या होगा, वो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ा, ओके। बट स्पॉइल्स द ओरिजिनल शेप ऑफ द पिक्चर, ओके। तो टेक्स्ट वार्पिंग, व्हाट इज टेक्स्ट वार्पिंग, टू वार्प टेक्स्ट मींस टू मेक टेक्स्ट फ्लो अराउंड एन ऑब्जेक्ट सो दैट ए पिक्चर और ए शेप, ओके। तो टेक्स्ट वार्पिंग क्या है, स्टूडेंट्स टू वार्प टेक्स्ट मीन्स टू मेक ए टेक्स्ट फ्लो अराउंड एन ऑब्जेक्ट सच ए पिक्चर और ए शेप। तो हमें एक पिक्चर को, हमें सब्जेक्ट पिक्चर को हमें शेप देना है। जैसे मैंने बोली थी तुम लोगों को, जब आप इंसर्ट पिक्चर को करते हैं तो स्क्वायर के हिसाब से करना है, उसका शेप को हमें कैसे करके चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला व्हेन यू इंसर्ट ए पिक्चर इन वार्प, जब वार्प में इंसर्ट करेंगे द डिफॉल्ट टेक्स्ट वार्पिंग इन लाइन विद टेक्स्ट, इन दिस द पिक्चर इज ट्रीटेड लाइक ए टेक्स्ट कैरेक्टर। तो वो जिसे हमारा पहला हमारा जिसे हमारा सेव होता है वो हिसाब से पोजिशन होता है। तो हमें क्या करना है, लेआउट ऑप्शन को बटन को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर चूज फॉर्मेट टैब को हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो ट्राई द डिफरेंस ऑप्शन एंड मूव द पिक्चर टू सी हाउ ऑप्शन वर्क्स, ओके। तो यहाँ पे हमें एक एक ऑप्शन रहेगा, जैसे हमारा लेआउट ऑप्शन में इन लाइन विथ टेक्स्ट, ओके। जैसे ऐसे हम कुछ लिखे थे, हमें बीच में से पिक्चर चाहिए ऐसे, ओके, ये भी एक ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट में है जैसे यहाँ पे पिक्चर रहेगा और यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे, जो हिसाब से हमें डिजाइन करना है वो हिसाब से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टू मेक द टेक्स्ट फ्लो अराउंड द पिक्चर चूज स्क्वायर, टू कीप द पिक्चर बिटवीन टू लाइंस टू टेक्स्ट चूज टॉप एंड बॉटम। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें क्लिक करके सेव करना चाहिए। क्रॉपिंग, टू क्रॉप ए पिक्चर मीन्स टू रिमूव द पोर्शन दैट इज नॉट नीडेड टू क्रॉप ए पिक्चर। तो हमें क्रॉपिंग कैसे करना है, तो क्या करेंगे, पहला सिलेक्ट द पिक्चर, कौन सा पिक्चर को हमें क्रॉपिंग करना है। द पिक्चर चूज फॉर्मेट टैब अपीयर, हमें उसके बाद क्या करना है, पिक्चर चूज फॉर्मेट को टैब को वो शो करेगा। पहला हमें क्रॉपिंग करना है, द पिक्चर चूज फॉर्मेट अपीयर, क्लिक क्रॉप इन द साइज ग्रुप ऑन दिस टैब। तो हमें क्रॉप को क्लिक करना है। ब्लैक क्रॉपिंग हैंडल्स विल अपीयर ऑन द पिक्चर, ड्रैग द हैंडल्स इन वार्ड टू सिलेक्ट ओनली द एरिया यू वांट टू कीप, कौन सा एरिया हमें करना है उसको हमें ड्रैग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है तो हमें बीच में जाना है, तो इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे, ओके। क्लिक आउटसाइड द पिक्चर टू क्रॉप द पिक्चर। लास्ट थिंग इज पिक्चर स्टाइल, जो हम पिक्चर किए हैं उसका स्टाइल करेंगे, उसको सर्कल करेंगे या मिरर के जैसा करेंगे, बहुत सारा स्टाइल रहता है। यहाँ पे ये तुम्हारा पिक्चर स्टाइल में शो करेगा, ओके। यू कैन अप्लाई डिफरेंट फ्री डिफाइन पिक्चर्स स्टाइल्स के पिक्चर टू चेंज टू लुक, जो हिसाब से हमें हमारा लुकिंग चाहिए
वो हिसाब से हमें उसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टैब में मिलेगा, ये हमारा पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब में है। तो सिलेक्ट द पिक्चर, पहला हमें क्या करना है, पिक्चर को तो हमें उसका स्टाइल करना है, तो हम पहला क्या करेंगे, जो हमारा इंसर्ट किए हैं जो पिक्चर को, हमें इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। द पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब अपीयर, तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब शो करेगा। ओके, यूज द एरोस ऑन द मोर बटन्स ऑन द पिक्चर स्टाइल गैलरी टू सी द डिफरेंस स्टाइल, हमें और ज्यादा करना है तो हम मोर स्टाइल में जाएंगे, तो वहां पे मोर बटन एक शो करेगा, वहां पे हमें और बहुत सारा स्टाइल मिलेगा। नेक्स्ट डे क्लिक ए स्टाइल टू अप्लाई, जो भी हमारा स्टाइल हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसको हमें क्लिक करेंगे। ए पार्ट फ्रॉम स्टाइल्स यू कैन अप्लाई डिफरेंट बॉर्डर्स एंड इफेक्ट टू योर पिक्चर, बहुत सारा क्या शो करेगा वहां पे, बॉर्डर इफेक्ट जैसे स्टाइल शो करेगा, वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है जो हमें पसंद आ रहा है वो हिसाब से हमें क्लिक करना है। सो स्टूडेंट, ये हमारे टेबल्स एंड ग्राफिक्स का ही पार्ट का ये हमारा खत्म हो गया है। मैं तुम लोग को फिर से याद कर रही हूँ आज हम क्या क्या पढ़े हैं। पहला कैसे करके हमें टेबल इंसर्ट कर रहा है, पहला पॉइंट। ओके, सेकेंड इज हमें टेबल में कैसे लिखना है, जो हम टेबल को सिलेक्ट किए उसके अंदर में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हम क्या पढ़े सेल एंड रो एंड कॉलम्स में हम कैसे करके उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट में हमें और ज्यादा क्या चाहिए, रोज एंड कॉलम चाहिए, उसको कैसे करके हमें इंसर्ट करना है। नेक्स्ट में हमें सीखे ज्यादा हो गया हमारा रोज एंड कॉलम, उसको कैसे हमें डिलीट करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखे हैं, मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सीखे हैं। ओके, जैसे हमारा चाकू सेल को हमें वन सेल कैसे करके कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम टेबल, जो हमारा टेबल हो गया है उसको कैसे करके हमें बोर्ड करेंगे, क्लियर करेंगे, सेटिंग करेंगे, टेबल का स्टाइल कैसे करना है। ओके, उसके बाद टेबल स्टाइल के बाद हम जो हमारा डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसे हेडिंग करके कैसे उसको हाईलाइटर करेंगे, वर्ड आर्ट में कैसे करके कन्वर्ट करेंगे, एंड वो हमें सेव कुछ करना है, जैसे हमारा साइंस का प्रोजेक्ट है हम उसे सेव करेंगे, जैसा उसमें सेव करेंगे स्टेप के अंदर में कैसे करके हमें टेस्ट करना है, एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमें कैसे करके सेव करना है, जैसे सेंड टू बैक कैसे करके करना है, एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट में लिखा है जैसे हमें कुछ पिक्चर को हमें इंसर्ट करना है, जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हमें बीच में रखना है, लेफ्ट में रखा है रखना है कैसे करके हमें उसको इंसर्ट करना है, और लास्ट में देखे हैं जो हमें पिक्चर को इंसर्ट किए हैं उसको और ज्यादा करके स्टाइल कैसे करेंगे, जैसे वो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसा सिंपल से हिसाब से इस तरह का हम इसको कैसे करके मिरर के ऐसा करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, जैसा पिक्चर है ऐसा ऐसा करके ये डिजाइन भी कैसे रहेगा, ये सब क्या है, ये हमारा पिक्चर टूल्स फॉर्मेट में है। तो स्टूडेंट आई होप तुम लोग को समझ आ गया है, तो ये इसी पढ़ाने से या तुम लोग को ये समझ नहीं आएगा लैब चलना जरूरी है, तो स्टूडेंट जिसके पास कंप्यूटर है घर में थोड़ा बुक को फॉलो करो, बुक में सब कुछ स्टेप दिया है, स्टेप के हिसाब से तुम लोग क्या करना घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, जैसे टेबल को क्लियर करके इंसर्ट करके वहां पे कुछ लिखने के लिए कोशिश करना, जैसे ही हमारा स्कूल भी ओपन हो जाएगा हम कोशिश करेंगे लैब में जाएंगे हमारा जितना भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।